हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, नेवी, एमआर, एयरफोर्स वाई एंड एक्स वाई के लिए क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 12 तक वीडियो करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं इसका 13 पार्ट करने वाले हैं, और इसमें जो होगा हमारा 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम की बहुत से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चल देर ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने ईयरमेन वाई ग्रुप एंड एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो इसको निकालना चाहते हैं, है ना, इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा है ना दो प्रैक्टिस सेट और दो बुक लॉन्च किया गया है ना, जिसमें जिसमें आपको 35 प्रैक्टिस सेट हैं और 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है, जो आपको पूर्ण रूप से सिलेबस पे आधारित है। अब देखिए, और यहाँ पे पूर्ण सिलेबस पे आधारित है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की है, और गणित यानी मैथ की है, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर दोनों के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको खरीदते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको 100% की सफलता मिलेगी, यानी सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सिलेबस पे ही आधारित है। और इसमें एक खास बात और है कि ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और सॉल्व पेपर हैं और ये जितने भी गाइडेड हैं, वो सब एक ही बुक में उपलब्ध है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस एग्जाम बुक को जरूर खरीदें, और इसका खरीदने के लिए इसका बुक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है, यानी 10 मोल जो जल होता है उस जल का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, आपको यही बताना है। तो देखिए, इसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम। जब हम साइंस का क्लास करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, तो आपको बताएंगे मोल कैसे निकाला जाएगा, द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। फिलहाल में ये जो टेस्ट चल रहा है इसके अनुसार चलते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बल क्षयकारी बल होता है। तो कौन सा ऐसा बल है जो क्षयकारी बल होता है, यानी नष्ट होने वाला बल होता है, ये जो घर्षण बल होता है ये क्या होता है, क्षयकारी होता है ना, क्षयकारी बल जो होता है घर्षण बल होता है। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो कल ही क्वेश्चन बताए थे कि ये जो होगा ये होगा पास्कल के नियम पर आधारित है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाए। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके आपके लिए इसको हम वीडियो में लाए, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, है ना, और आप सिलेक्शन अपना ले पाए, ठीक है। तो चलते हैं, जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों क्यों झुक जाता है, इसका मुख्य कारण जो होता है गति के, है ना, जड़त्व का फर्स्ट नियम यानी पहला नियम के, यानी जड़त्व के नियम के अनुसार जो कोई व्यक्ति है रुकते जब बस रुकती है या कार रुकती है अचानक, तो आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, हमको भी मोटिवेट मिले और आपको या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा कोटू और तंबुओं, मतलब वर्षा जो रेनकोट होता है ना, रेनकोट और तंबुओं के लिए सामग्री में जलाशय यानी जल जलता गुण का स्रोत क्या होता है, इसका मुख्य जो स्रोत होता है वो पृष्ठ तनाव होता है, यानी रेनकोट जो होता है, रेनकोट में ज्यादातर हम किसका किसके कारण जल नहीं पहुंचता है, तो पृष्ठ तनाव कारण, ठीक है। आगे है, एक बार बराबर कितना होता है, एक बार है ना, एक बार बराबर क्या होगा, वो होगा हमारा 10 के पावर 5 पास्कल, है ना, 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं, है ना, अगर पास्कल में चेंज करें तो 10 के पावर 5 होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है, यानी जब कोई पिंड जो है वायुयान से गिराया यानी एरोप्लेन से गिराया जाता है, तब इसकी क्या, मतलब क्या बढ़ सकती है या क्या बढ़ जाती है, तो
तो क्या बढ़ेगी उसकी, तो उसकी त्वरण जो होती है क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब उसको जब फेंका जाता है वायुयान से नीचे की तरफ तो क्या होगा, उसका त्वरण एक्सेलरेशन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जब खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम, मतलब जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम क्या बदलते हैं, तो इसमें क्या बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। जो जल से जल खींचने वाला जो विद्युत पंप होता है वो क्या क्या करता है, वो यानी जो यांत्रिक, यानी यांत्रिक मशीन है ना, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहेंगे, किसी पिंड की उस गति को क्या कहेंगे जिसकी कुछ समय के अंतराल पर, है ना, किसी समय के अंतराल के बाद पुनरावर्ती होता रहे, यानी वो फिर से रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, रिपीट होता रहा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आवधिक बल, है ना, यानी पीरियोडिक मोशन, आवधिक बल कहेंगे, आवधिक गति कहेंगे, सॉरी आवधिक गति कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है, किस बल के कारण, किस फोर्स के कारण चढ़ता है, वो होता है केशिकीय बल, यानी केशिकत्व के कारण या केशिकत्व घटना के कारण जो होता है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, अब आगे है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, जब हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, तो वो करेगा भार और उत्क्षेप, है ना, काम करता है उस पर, क्या काम करता है, भार जो होता है और उत्क्षेप काम करता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब में, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ तनाव पर, है ना, उठने वाली लहर होती है कैसी होगी, तो ये होगी अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी अनुप्रस्थ लहरें जो होती है इसमें उठती है। जब अगर हम किसी शांत जल में, मान लीजिए शांत जल है, है ना, इसमें अगर ढेला फेंक दिया जाता है या कोई पत्थर फेंक देते हैं तो क्या होता है, इसमें से तरंग उत्पन्न होती है ना, ऐसे 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 करके तरंग उत्पन्न होती है, वो कौन सी तरंग होगी, वो होगी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, इसका मुख्य कारण जो है, इसका कारण है क्या, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या होती है, प्रकर्णित हो जाती है ना, इस कारण सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, मतलब लाल ही एक ऐसा रंग है जो क्या है, हमें दिखाई देता है, बाकी सारे रंग क्या हो जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है ये होगा, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है प्रकर्णित हो जाते हैं, यानी कोई रंग दिखाई तो, मतलब रंग तो सभी होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता, सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होगा, लाल ही, लाल अधिक अनु क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये हमें दिखाई देता, प्रकर्णित हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश को, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अपवर्तन कहलाता है, एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, अपवर्तन, है ना, अब एक माध्यम से आकर लौट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में, है ना, आकाश कैसा दिखाई, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल, अगर पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति हो तो आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसे तो हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है ना, लेकिन जब क्या होगा कि पृथ्वी से वायुमंडल को ही हटा दिया जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हमें काला, है ना, ब्लैक दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो अभी बताएं प्रकीर्णन के कारण, है ना, लघुत्तर तरंग दैर्ध्य तथा प्रकीर्णन कारण क्या होगा, इसका रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का बिखराव किसमें होता है, यानी प्रकाश का जो बिखराव होता है, प्रकाश बिखर जाते हैं किसके कारण, कहां पे बिखर जाते हैं, ये बिखरते हैं कोलाइडी विलयन में, है ना, कोलाइडी विलयन में प्रकाश क्या होता है, तितर बितर बिखर जाते हैं। ठीक है, अब डायोप्टर किसकी इकाई है, ये तो पहले भी हमने आपको बता दिया है कि डायोप्टर जो है वो है लेंस की क्षमता का मात्रक, है ना, या इकाई है, ऐसा यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे, यानी ऑप्टिकल जो संचार में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है ना, ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है
वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ये करता है आपको प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे, है ना, प्रकाश के सभी आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, काम करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है कैसी, तो वो काली दिखाई देगी, यानी काला रंग ही ऐसा है जो सभी वस्तुओं को क्या मतलब सॉरी सभी कलर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी सभी कलर को अपने में मिला लेती है ना, वो सभी को अवशोषित कर लेती है, उसको परिवर्तित नहीं करने मतलब परिवर्तित नहीं होने देती है, उसे अवशोषित कर लेती है, तो कौन सी होगी, काली होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किरणों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है, किरणों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रकाशानुवर्ती कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्ती। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले पिछले जो प्रीवियस ईयर है उनको देखते हुए जितने भी क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में लाया गया है। ठीक है, बस आपको आप इसको ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, तो क्या हुआ इसका, प्रकाशानुवर्ती होगा। ठीक है, अगर हाँ अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किस कारण होता है, यानी जो श्वेत प्रकाश होते हैं उनके घटक में विभाजन मुख्य रूप से किसके कारण होता है, ये होता है परिक्षेपण के कारण। ठीक है, परिक्षेपण के कारण उसमें क्या होगा, विक्षेपण होगा। ठीक है, या वर्ण विक्षेपण भी होगा। आगे है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जल के सतह पर तेल की पतली परत हमें रंगीन दिखाई देगी, यानी सात कलर की दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के व्यक्तिकरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, ये प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण हमें क्या होगा, जो तेल की पतली परत होती है वो हमें रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, अगर आपको प्रयोग करना है तो थोड़ा सा कोई भी क्या बोलेंगे किरोसिन का तेल या जो कोई भी तेल हो उसको गिरा दीजिएगा, है ना, पानी में, और जब लाइट उस पर जाएगा सूरज का प्रकाश तो आपको रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो इस किसके कारण होता है, तो व्यक्तिकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, ये काम करेगा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाशीय जो फाइबर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोलते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, यानी जो तारों का रंग तारा का रंग होता है स्टार, है ना, आकाश में जो चमकते हैं उन तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, वो किस पे करता है, उसके तापमान पे, है ना, जो तारा जितना ही नया होगा, है ना, जितना ही नया होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रकाश करेगा, जो धीरे धीरे क्या होगा पुराना होता जाएगा उसके अनुसार उसका प्रकाश कम होता जाता, तो इसके अनुसार तारों की आयु पता लगाया जाता है ना, उसके तापमान को देख करके। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और भी आता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को हम क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आकाश किसी कारण नीला दिखाई देती है, क्वेश्चन डबल हो गया है ना, रिले प्रकीर्णन, ये तो पहले भी बताए हैं प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष जो ये दूरी की इकाई यानी डिस्टेंस की इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो होता है, यानी इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो इसका बनने का मुख्य कारण जो होता है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के कारण और वर्ण विक्षेपण के कारण भी होता है, सॉरी वर्ण विक्षेपण नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, लगभग इसमें सारे हो जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से जो परिवर्तन और अपवर्तन के कारण ये होता है। ठीक है, ऐसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, जितने भी गुण होते हैं ये सभी चले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बोलेगा ये होगा अपवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लक्स किसकी इकाई, जो लक्स है वो किसकी इकाई है, तो लक्स जो होता है ये होता है प्रदीप्ति की इकाई होती है ना, प्रदीप्ति की मुख्य इकाई क्या है, तो लक्स। ठीक है, प्रदीप्ति की इकाई लक्स। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है कौन सी, है ना, किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी, वो बनेगी वस्तु के समान आकार की प्रतिबिंब बनती है ना। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक एक अवतल दर्पण में, है ना, वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं, वस्तु एवं प्रतिबिंब क्या होगा, दोनों वक्रता केंद्र पर होंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, तो वो बनता है वस्तु के समान आकार का बनता है। ठीक है, वस्तु के समान आकार का। और आज का जो है हमारा
30 क्वेश्चन हमने किया है ना, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी इसमें लिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।